सर, जैसे कि अभी मेरे साथ वो घटना हुई, जैसे एक मेरी छोटी बहन को वॉशरूम जाना था, तो मेरी बड़ी बहन ने बोला कि इसको वॉशरूम लेके जा। उस टाइम सेशन भी चल रहा था, हम दोनों देख रहे थे, पर उसने मेरे को बोला कि वॉशरूम जान, इसको वॉशरूम करा के ला। एक विचार तो ऐसा है कि मैं उसे मना कर दूँ, मेरी इसमें रुचि नहीं है एक तो, और दूसरा विचार है कि अगर मैं मना कर दूँगी तो हम दोनों के संबंध बिगड़ जाएंगे। पर मैं चित्रण तो जा ही नहीं पाई, मैं संबंध बिगड़ जाएंगे इसलिए मैं चली गई, मतलब चित्रण तक क्यों नहीं पहुँच पाई ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, चित्रण जो जगह है ना, थोड़ी गहरी जगह है, जो एकदम भाव की जगह है, जो इच्छा की जगह है, उसको एक्सप्लोर करने का काम अब कर रहे हैं हम, अभी जस्ट शुरू करेंगे। अच्छा। तो उसको देखेंगे तो धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगा वो। ठीक, बढ़िया है भैया। मेरे को जैसे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने जैसे बोला कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन इनसाइड नहीं होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है ना कि अपन ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले की नज़र में अपनी इमेज हमेशा अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए तो अगर कोई सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, अगर उसको उसी इमिडिएटली उसी टाइम पर अगर अपन नहीं रोकेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसको लगेगा इसको तो बोलना नहीं आता है और है ना ये तो कुछ भी सुन लेगी सह लेगी। तो मतलब कि एक नहीं बोलना में एक ये चीज़ भी होती है ना कि सामने वाले के सामने अपनी इमेज अच्छी रहे, लेकिन फिर वो तो इमेज मतलब कुछ समझ नहीं आएगा ना फिर तो, मतलब रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए गलत के लिए भी। एक बात है, तो जो मूल प्रश्न है ना अपनी इमेज का, जिसका हर किसी को वो रहता है मुद्दा, अपनी इमेज कैसी बने, तो मेरे लिए भी बहुत टाइम तक वो मुद्दा रहा और मैं सोचता रहा कि लोगों की मेरे बारे में क्या स्वीकृति है, उसको मैं जांचूं, उस पर काम करूं। एक टाइम के बाद अब मुझे ये लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर आके शिविर ले रहा हूँ, आप लोगों के मन में मेरी इमेज अच्छी बन गई। जो लोग ये मानते हैं कि युवाओं को तो मतलब जोर लगा के पैसे कमाने चाहिए और गाड़ी बंगला सब कर लेना चाहिए, उनके उनके दृष्टि से मैं बुद्धू हूँ। ठीक है, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, उनको लगता है कि जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वो अच्छा आदमी, तो उनकी इमेज में वो मैं एक एकदम वो एकदम नौसिखिया या कुछ जिसको कुछ नहीं आता ऐसा हूँ। तो अब जो जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, उनके मन में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए कि मैं क्रिकेट खेलने लगूँ, है ना। जिनको पैसे कमाने का वो रखता है, तो उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए मैं पैसे कमाने लगूँ। अब ऐसे तो अपने देश में 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। एक आदमी कितना करेगा और कितनों की नज़र में अच्छा बनेगा ऐसे बनने जाएंगे। तो मूल मुद्दा ये है, हम मानव हो पाए, तो मानव मतलब मैं और शरीर दोनों को साथ चल के जी पाए, मैं को ठीक ठीक पहचान पाए, और जो मानवीय भाव है जिस पर अभी हम बात शुरू कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दे पाए, उसको जी पाए, भावपूर्वक जी पा रहे, व्यवहार ठीक कर पा रहे, फिर धीरे धीरे अपनी इमेज अच्छी बनेगी ही। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्रिकेट खेलना चाहता है ना, वो भी तो यही चाहता है कि पहले तो कोई मानव हो फिर कोई क्रिकेटर हो। पैसे कमाने वाले के भी मन में तो कहीं तो ये रहता है कि पहले मानवता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमिडिएटली हमको लगता है कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ मान रहे हैं या इनके इनकी नज़र में मैं ठीक नहीं हूँ, बट हमको पता है कि मुझे क्या होना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, ये भी मुझे पता है, ये भी यही होना चाहते। अभी मान रहे कि क्रिकेटर होना है या चेस खेलना है या पैसे कमाना है, ये करना है वो करना है, देर सवेर उनको भी समझ में आएगा कि सही तो यही है। तो अब दूसरों की नज़र में इमेज अच्छी बनाने के बदले जो सही है, जो मानवीय है, उसको अपनाने का प्रयास करना, मुझे मेरा ये निष्कर्ष निकला है। पहले मैं भी थोड़ा ये रहता था कि इनको तो मैं ऐसा लग रहा हूँ, इनको तो मैं, उसमें प्रश्न ये होता है कि यदि सामने वाले में स्वीकृति नहीं बनती तो फिर हम बात कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों की स्वीकृति है मेरे प्रति, तो आप लोग मेरी बात सुनते हो। अब कोई बिजनेस कंपनी में जाकर के यही बात बोलनी हो तो उन लोगों की स्वीकृति इस बात पर नहीं है, उनकी स्वीकृति है कि हम प्रॉफिट कैसे करें, उसका कोई सेशन चलाओ, ज़्यादा प्रॉफिट हो इसका कोई सेशन, उसकी कोई ट्रेनिंग दो, तो वहाँ बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब उनको लगेगा कि भाई कंपनी ठीक से चलाने के लिए भी संबंधों को समझना पड़ेगा, तब जाके वहाँ बात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि दूसरे लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ,
अपने व्यवहार से किसी को कोई चोट पहुंचती तो उसको एक बार देखना चाहिए कि कहीं हमसे सही में गड़बड़ तो नहीं हुई। मतलब अपन को इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो ठीक ही जा रहा हूँ, दूसरे ही गलत है। अपने से भी गलती हो सकती, लेकिन वो गलती उसको अपनी मान्यताओं के अनुसार लग रही है, फिर वो अपना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब भैया ये बोल सकते हैं कि दूसरे अपन को किस नज़र से देखते हैं, अपना कैसे इमेज बनाते हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। कि जैसे वो होते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर रेड चश्मा पहन लोगे तो दुनिया रेड दिखेगी, तो जैसे उनको लगता है वैसे ही वो दूसरों को समझते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। थैंक यू। जैसे हम समझने में लगे, कोई क्रिकेट खेलने में लगा, कोई चेस खेलने में लगा, क्रिकेट वाले को भी हम अच्छे नहीं लगेंगे, चेस वाले को भी हम अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उन दोनों को भी वो दोनों अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो ये तो पूरी दुनिया में चलता रहेगा। तो इससे अच्छा यह है कि हम मानव होने की जगह पर आए और मानव होते हुए जो कुछ करना बनता है समाज में उतना करें। ठीक है, मतलब कि अपन ये सोचे कि हमको ये बनना है वो बनना है, उससे उसकी जगह पे अपन ये सोचे कि अपन को एक्चुअल में क्या होना चाहिए और उसी पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, मैं अभी तक यहाँ भाव लिखा ना ताकि आपको समझने में ठीक लगे, इसको हम बदल दे तो आपको, मैं मानता हूँ कि शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शब्द बदल रहे, भाव भी कह सकते हैं बट उसको अभी मूल्य कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब जो आप समझे सब ठीक, बस इसको ये आस्वादन जो होगा इसको भाव मूलक की जगह अब मूल्य मूलक आस्वादन कहेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक भाव मुझे लगता है किसी भी संबंध में चाहिए, उसके बगैर संबंध आगे बढ़ता ही नहीं, वो है विश्वास। ठीक है, उसको समझते हैं। तो विश्वास को देखें ना, तो हमको पता चलता है सामान्य रूप से, आपका मेरे पे विश्वास है, मेरा आपके विश्वास है, तो विश्वास को कैसे देखेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता संबंध में, है ना। तो उसमें दो बातों को हम थोड़ा देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक देखते हैं चाहना, दूसरा बात में देखते हैं। इसके अंदर मैं आपसे पहला सवाल आपने से पूछिए, पहला सवाल मैं सुखी होना चाहता हूँ, होना चाहते हैं, हाँ, तो इसको कहेंगे यस। दूसरा, मैं सुखी करना चाहता हूँ, तो दूसरे को यहाँ लिख दे, दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, चाहते हैं दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। हैं, देखते हैं उस वही के दे ही देख रहे हैं अभी तो अपने लिए, कि मैं तो दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। हैं, क्या कहें, हाँ, दूसरे भी सुखी होना चाहते हैं, यही पूछ रहे, क्या लगता है चाहता है, क्योंकि वो भी मानव है। और चौथा प्रश्न, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है यहाँ प्रश्न लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है ना, तो यहाँ क्या कहेंगे, डाउट है, डाउट है। ठीक है, चलिए, इसमें किसी का कोई अलग मत है इससे तो बता सकते हैं। मैं सुखी होना चाहता हूँ, हाँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, हाँ, दूसरा खुद सुखी होना चाहता है, हाँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, नहीं सकते। कोई अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर ये विश्वास है कि वो मुझे सुखी करना चाहते हैं, हर बार हर व्यक्ति पे ये विश्वास अपना नहीं बन पाता कि वो मुझे सुखी करना चाहते हैं, तो वो डाउट है। ये हो गई चाहना। अब इन्हीं बातों को योग्यता के रूप में देखें। योग्यता मतलब वो कर पाने की अपनी एबिलिटी, कर पा रहे कि नहीं, ये पूछिए अपने आप से, मैं सुखी हो पाता हूँ, क्या लगता है, चाहना है मैं निरंतर सुखी, हमने निरंतर शब्द नहीं लगाया बट चलो लगा लो, मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, चाहना है, योग्यता प्रश्न लगाए, चलो ना हम क्यों आपको कैंसिल लगा दें, है ना मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ, मतलब चाहना है, जैसे मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, हो पाता हूँ, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, कर पाता हूँ,
पर फिर भी प्रश्न लगाए। दूसरा निरंतर सुखी होना चाहता है, हो पाता है? नहीं हो पा रहा, फिर भी प्रश्न लगाए। और दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, दूसरा मुझे सुखी कर सकता है हर वक्त? उसमें भी प्रश्न ही प्रश्न है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भैया एक सवाल था, मैं सुखी होना क्यों चाहता हूँ, मतलब मेरे अंदर ये चाह क्यों है सुखी होने की? क्योंकि हम मानव है, मानव सुखी होना चाहता ही है। नियम ये नहीं, तो मैं और शरीर में, मतलब फिर यहाँ पे मैं सुखी होना चाहता है? हाँ, मैं सुखी होना चाहता है, उसके लिए समझदारी चाहिए, भाव चाहिए। और समझदारी के लिए जैसे अभी हम शरीर के माध्यम से समझदारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाव की अभिव्यक्ति, व्यवहार की अभिव्यक्ति शरीर से हो रही, तो शरीर को साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारा रीजन यही है जी, जीवन का जी। और कुछ ढूंढ सकते तो ढूंढना चाहिए, इतना जल्दी स्वीकार मत लीजिए। मानव का पर्पज यह है कि वो ज्ञान संपन्न हो, समझदारी संपन्न हो और सुखी हो। उसके अलावा क्या चाहिए अपने को? बट ये थोड़ा अलग मुद्दा हो गया ना, अभी थोड़ा इस पर आप सोचिए। पर जिनको भी लगता है कि इस पर सोचना चाहिए तो सोच सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल, क्या लगता है, थोड़ा सोचिए। भैया एक वर्ड होता है जैसे सुकून, तो है ना, ये सुखी होना और सुकून से रहना वो दोनों अलग अलग चीजें होगी या फिर सब समानार्थी भी बना सकते हैं? जनरली सुकून को वो सुविधा वाला मानते हैं, सोफा में बैठे हो, एसी चल रहा हो तो सुकून है, वो मानते हो तो ठीक है। अब सुकून को सुखी कर यही वाला सुखी मानो तो भी ठीक है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। नहीं लेकिन जैसे एक होता है ना सुखी का मतलब हंसते खिलते रहते हैं मतलब ऐसा, और एक होता है कि चलो बस भले हम हंसे नहीं 24 घंटे, ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन फिर हाँ, भी है ना बस शांति बनी रहे। बिल्कुल, तो सुखी के इतनी सारी, सुख की इतनी सारी डेफिनेशन इसीलिए दी ना कि हम समझदारी से संबंध में उभय तृप्ति पा सकते हैं, हम समझदारी से सुविधा से समृद्धि पा रहे थे। हमारी इतने में समझ है, हम रिस्पॉन्स की जगह पर है, हम सुविधा को, समझ को, संबंध को साथ लेकर चल रहे। और इन सबसे अलग भी एक परिभाषा बोली थी जो आप सबको याद रह गई है अच्छे से ना, अपने में व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। अब आप हंस रहे हो, कूद रहे हो, उछल रहे हो, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना है तो सुखी है। ठीक है भैया, वो जो गाना बना था ना हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हाँ, गम है जो छुपा रहे हो, रिएक्शन इनसाइड का गाना है। ठीक है ठीक है। अब देखिए इसमें यह है कि जब हम अपने को देखते हैं ना, अपने आचरण को देखते हैं, जैसे मेरी दिशा बहन से कुछ बातचीत हुई, हमारा कोई झगड़ा हो गया मान लो, तो अब मैं उसको ओवरव्यू कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, देखो मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, मैंने उनके भले के लिए कहा बोल रहा था। कहाँ से देखे हमने, अपने को देखा, मैं सुखी होना चाहता हूँ तो मैं अच्छा आदमी हूँ, दूसरा मैं उनको भी सुखी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी ना उनका बुरा चाहता हूँ। अपने को यहाँ से देखा, उनको देखेंगे कहाँ से देखेंगे, वो मुझसे ऐसे बात कर रही, उनको समझ नहीं बात करने की, कहाँ आ गए, वो सुखी हो नहीं पा रही, वो मुझे सुखी कर नहीं पा रही, ये सब बातें पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने को देखते हैं तब अपनी चाहना देखते हैं। मेरी चाहत अच्छी है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, भले हो नहीं पा रहा, मैं उसको सुखी करना चाहता हूँ, भले कर नहीं पा रहा लेकिन करना तो चाहता हूँ, तो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सुख चाहता हूँ। जब दूसरों को देखते हैं तब ये कहते हैं कि वो सुखी हो नहीं पा रहा और मुझे भी सुखी कर नहीं पा रहा, तो उसकी योग्यता को देखने लगते हैं और कहते हैं कि आदमी बेकार है, आदमी बुरा है। तो कहाँ से देखना चाहिए, अपने को भी यहाँ से देखे, दूसरों को भी यहाँ से देखे। हम भी सुखी होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे, वो भी सुखी होना चाहते हो नहीं पा रहे, बट हम चाहना पे डाउट करने लगते हैं कि वो सुखी, वो तो मुझे परेशानी करना चाहता है। हम जब अपने को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरी चाहना ठीक है, अपने को चाहना के आधार पे देखा, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी सुखी होना चाहता हूँ, तो मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। जब दूसरे को देखते हैं तब उसकी योग्यता को देखते हैं कि देखो वो मुझे सुखी नहीं कर पाई, वो बहन मुझे सुखी नहीं कर पाई, वो बहन खुद सुखी रह नहीं पाई, तो उनकी चाहना ही गलत है, वो सुखी होना ही नहीं चाहती और मुझे भी परेशान करना चाहती,
तो हम दूसरों को देखते वक्त डाउट को यहाँ ले आते हैं, इससे सारी समस्याएं हैं। यदि कोई भी प्रकार की स्थिति हो, कैसी भी कैसा भी मतभेद हो, हम दोनों का यदि ये एक क्लियरिटी है कि हम दोनों सुखी होना चाहते हैं, दोनों की चाहना सही है, मेरी भी उनकी भी, किंतु कहीं मेरी योग्यता में कमी है, कहीं उनकी योग्यता में कमी है, इसलिए बात बन नहीं रही, तो कभी झगड़ा होगा, कभी एक दूसरे से विश्वास उठेगा। अपने जितने भी संबंध को हम देखें, जहां हमने संबंध तोड़े या हमने झगड़ा किया, उस सबको अभी याद करें, हमने इसीलिए झगड़ा किया या हमने इसीलिए गुस्सा किया, हमने इसीलिए संबंध तोड़ा कि हमने उनकी चाहना पे डाउट कर लिया। जबकि बात यह है कि जैसी हमारी चाहना है वैसी ही उनकी चाहना है, पर जैसे हमारी योग्यता में कमी है तो हम जी नहीं पा रहे ठीक से, वैसे ही उनकी योग्यता में कमी है, उनकी समझ में कमी है, तो वो ठीक से जी नहीं पा रहे। समझ की जहाँ कमी है उसको पूरा करने का फिर कोई कार्यक्रम निकाल लेंगे अपन। तो अविश्वास कैसे बनता है? चाहना पर डाउट हो जाने से। विश्वास का भाव कैसे आएगा? चाहना को सही सही देख पाए, योग्यता में जहाँ कमी है उसको भर पाए। बताइए इस पर क्या लग रहा है? हाँ, मतलब होता ऐसा है कि जैसे मैं एक घटना रूप में देखता हूँ कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, सामने वाला भी गाड़ी से आ रहा है, तो अब गाड़ी हिट हो गई है, तो मैं उतर के कहता हूँ या अपने आप को कहता हूँ या किसी और से भी बताता हूँ, यार मैं तो हिट नहीं करना चाहता था, मैं थोड़ी एक्सीडेंट करना चाहता था, उसने ठोक दी गाड़ी, वो सामने से तेज चला के आ रहा था जैसे वो एक्सीडेंट करने ही निकला था घर से कि आज जाके मुरली भैया की गाड़ी को ठोकना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक बात है। यहाँ और स्पष्ट पकड़ में आता है कि मैं तो देख रहा हूँ कि जो वो कर रहा है, और मैं वो अपने में तो वो देख रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो बहुत इससे और स्पष्ट होता है अपने अंदर की, मतलब हम कितने अपना तो पहला स्तर देखते हैं कि मैं अभी प्ले ग्रुप में हूँ, और सामने वाले को देखते हैं कि वो 10th क्लास में है। वो PhD कर लिया होना चाहिए ऐसा। तो ये भी और बहुत गहरा समझ में आता है। और इसी के साथ हम, मैं विद्यालय में टीचर भी हूँ तो क्लासरूम में भी देखता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों के साथ होता ही है, सर इसने ये किया, सर इसने ये किया, तो वहाँ अपनी स्थिति भी दिखाई देती है। बच्चे तो बचपने में कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो जीने में ही वैसा कर रहे हैं जी, ताकि हमारे जीने के कारण वो बच्चों में ऑटोमेटिकली डिलीवर हुआ है। ठीक बात है, क्योंकि जैसा माता पिता जी रहे हैं, जैसा समाज में जी रहे हैं, वैसा ही बच्चा भी बोलता है कि ये इसने किया है। हाँ, तो ये काफ़ी गहरे में। और जैसा ये भी है कि अभी हम कितने भी समझदारी से वंचित हो, हम कभी कभी किसी बच्चे की चाहना पे डाउट नहीं करते, करते हैं। जैसे ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, हम थोड़ी ये कहते कि ये लोग डिस्टर्ब करना चाहते हमको, हमको क्लियर है कि वो लोग सुखी होना चाहते हैं, अपनी मौज से घूम रहे हैं, अभी छोटे हैं तो उनको ये नहीं है कि एक जगह बैठे तो घूम, तो उससे हम कोई डिस्टर्ब रहे क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई हमको अविश्वास नहीं हो रहा उनके ऊपर कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करने आए हैं या ये हमें परेशान करने आए, क्योंकि उनकी चाहना को देखते हैं हम। तो ऐसे जो बड़े हो गए वो भी मन से तो भी बच्चे ही है, कहाँ ऊपर उठ पाए, वहाँ विचार के लेवल पे, इच्छा के लेवल पे आ पाए, तो उनको भी वैसे ही देख सकते हैं। चाहना तो ठीक है, जी नहीं पा रहे, ना खुद सुखी हो पा रहे, ना हमको सुखी कर पा रहे, बट चाहना ठीक है। भैया, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम विश्वास को समझा था, जब शरण भैया का शिविर था तब मैंने समझा था इसको, तो उससे पहले ही, मतलब शिविर में आने से पहले घर पे कुछ मेरे और दादी के बीच में तो बोल ज़्यादा बोलना हो गया था ऐसा, दादी ने मुझे कुछ बोल दिया था और मैं उसको शिविर तक ले जाई, मतलब लेके गई थी, अंदर ही अंदर वो ही चल रहा था। तो जब विश्वास की बात आई तो मतलब भैया ने ये पूरा समझाने के बाद में, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा हिल गई थी इसी चीज़ को लेके, कि नहीं यार, दादी मतलब मेरे को दुखी तो करना नहीं चाह रहे थे और मैं भी दादी को नहीं दुखी करना चाह रही थी, और फिर लगा कि दादी ने कुछ बोला है तो मेरे को सुखी करने के अर्थ में बोला था, तो मतलब बहुत ही अंदर से गिल्ट फील हुआ मेरे को कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मतलब दादी के प्रति मैंने ऐसा क्यों रखा, तो वो भी दिखता है। हाँ, मतलब कल का एग्जांपल है इसका अच्छे से, मतलब खुद में चल रहा था ये मनन, तो कल ऐसा हुआ था कि हम कमरे में थे तो हमारे मतलब वो गोपाल सर हैं तो उन्होंने कुंडी लगा, मतलब वो कुंडी लगा के चले गए थे, तो मैं एकदम से हिल गई, उन्होंने कुंडी लगा के क्यों चले गए, हम कमरे में बंद हो गए, तो
मैं मतलब जल्दी जल्दी नीचे आई, गोपाल सर कहाँ है, मेरे को उनको बोलना है। तो फिर बोलने के बाद में मैंने मतलब मेरी स्थिति चेक की मैंने कि मतलब ये क्या हो रहा है। फिर उनसे बात की मैंने, मतलब बातचीत करने के बाद में मतलब मैंने जांचा ये कि मैं भी सुखी होना चाहती, मतलब वो भी यही चाहते पर वो करना नहीं चाह रहे थे, मतलब वो हो गया था। तो फिर वो बहुत अच्छे से उनका इंटेंशन पता चला मुझे। ठीक बात है, ठीक बात। हेलो भैया। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ में घटना घटी, तो मतलब इस तरह से मैं इस चीज़ को अगर मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा मतलब दूसरा इंसान जो है वो सुखी होना चाह रहा है। हाँ। जैसे अब मैं इस चीज़ को ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन में इसको समझना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। जैसे 1.5 साल 2 साल जम के काम करने के बाद में कुछ चीज़ हुई, कुछ बातें हुई, उसके बाद में जब वो जॉब छोड़ी तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो सामने वाला इंसान जो है वो सुखी होना चाह रहा है, इसके कारण से रिलेशन ख़राब हुआ, इसके कारण से वो जो भी कुछ बात बोल रहा है तो वो अपना काम निकाल रहा है या फिर कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, तो वो कुछ कुल मिला के वो सुखी होना चाह रहा है। ठीक बात। तो इसके बीच में दो रिएक्शन निकलते हैं, या तो वो जिसके ऊपर ये मतलब जो ये चीज़ हो रही है, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जॉब छोड़ेगा, या फिर वो सेकेंड ये होगा कि वो सहन करता रहेगा। तो एक जो दूसरा जो सुखी होना चाह रहा है, तो जो सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ तो एक शोषण का भाव ही है ना। तो ठीक है, मतलब वो योग्यता की कमियों के कारण तो ऐसा तो रहेगा ना सब। नहीं, पर ये मैं समझ नहीं पा रहा, योग्यता में कमी किसकी है, मतलब अब उनके कमी है या मेरे योग्यता। हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो चाहना है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, हम सुखी होकर हम अच्छा जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, तो अपनी योग्यता में कमी है। उनको तो बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे एक एम्प्लॉयर है तो उनके लिए तो बढ़िया ही है ना। अब जब 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे भी काम कर लेगा, एम्प्लॉय 14 घंटे भी काम कर लेगा, तो उसका तो काम ही निकल रहा है ना। हाँ, तो उनको लगता है ना कि मैं इससे सुखी हो रहा हूँ, काम निकल रहा है और मेरे को कोई परेशानी नहीं, और तो उनको लगता है कि इस तरह से मैं सुखी हो रहा हूँ। तो मतलब उनके सुखी होने की चाहत है, उसको वो ठीक से ही नहीं कर पा रहे, उसको उनकी योग्यता की कमी के कारण कोई गलत तरह से उसको मतलब पूरा करना चाह रहे चाहना को, इससे उनका ये ध्यान नहीं जा रहा कि इससे दूसरा भी परेशान हो रहा है। ठीक है, तो वो परेशानी तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। झगड़ा हो गया, कोई हमको मार दिया, तो वो मारा तो सही, तो वो तो गलत हुआ ही, बट वो आदमी ही गलत था, उसकी चाहना ही गलत थी, ऐसा नहीं था ना। अभी क्या है, हमने सुख के बारे में सबने अलग अलग मान रखा है। मेरा सुख जो है माना हुआ, मैं उसके अनुसार सुखी होने का प्रयास करता हूँ। जुआरी ने जुआ खेलने में सुख मान रखा है, वो उस हिसाब से सुखी होने का प्रयास करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सुखी होना नहीं चाहता, उसका मतलब इतना है कि उसकी समझ नहीं है, तो उसको पता नहीं कि सही सुख की जगह क्या है और वो सुख कैसे पाया जाए, तो उस कारण से वो कहीं और लगा हुआ है। तो कमी योग्यता में है। ठीक है, बोला जा सकता है कि भैया कि मतलब चाहना जो है उसके बाद में अगर योग्यता भी ठीक है तो वो चीज़ सही है, फिर मतलब तो सही होगा, पर चाहना तो ठीक है ही अपनी। और मतलब चाहना कभी गलत हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, वही है, यही विश्वास है। चाहना सभी की सुखी होने की है, हर कोई सुखी होना चाहता है और हर कोई सुखी हो, ये विश्वास है। योग्यता से मतलब योग्यता को अपन इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि अव्यवस्था अगर बिगड़ेगी जी, जहाँ पे अव्यवस्था बिगड़ रही तो वहाँ पे वो योग्यता मतलब जस्टिफाई नहीं हो रही है। हाँ, ठीक इस है, तरह से समझ सकते। व्यवस्था बिगाड़ने का काम भी अयोग्य मानव ही करते हैं ना, जो समझदार है वो तो व्यवस्था बिगाड़ते नहीं, वो तो व्यवस्था बनाते हैं, तो अयोग्यता के कारण ही अव्यवस्था होती है। ठीक है, बढ़िया। ठीक, एक वाक्य में और कहना चाहता हूँ जो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतने सारे से समझ में ना आए ना, तो वो एक वाक्य में भी समझ सकते हैं कि ठीक है, हमसे कोई चीज़ गिर जाए, हमसे कोई चीज़ गिर जाती है ना, और दूसरा कोई चीज़ गिराता है। हमसे कोई वस्तु खो जाती है, दूसरा कोई वस्तु खो देता है। ये क्या बात हो गई, अपनी चाहना ठीक है, हम गलती करना नहीं चाहते थे, हमसे गलती हो जाती और दूसरा गलती करता है, ऐसा है कि दूसरा भी गलती करना नहीं चाहता पर दूसरे से भी गलती हो जाती है,
ठीक बात है भैया? हाँ। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने लिखा मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनका इंटेंशन ही दूसरों को दुखी करना होता है। वही अविश्वास है ना, वही तो कह रहे हैं। जहाँ अपने को लग जाता है कि इनका इंटेंशन ही मुझे दुखी करने का है, वो अविश्वास है। उसको जांचना चाहिए। मैं मानने को नहीं कह रहा कि ये मान लो सब सुखी होना चाहते हैं, उसको जांचो। वो अपने सुख को बढ़ाने के लिए आपको पीछे छोड़ना भी कर देते हैं। ये उनकी चाहना ऐसी नहीं है कि वो आपको दुखी करे, ठीक है? उनकी चाहना ये है कि मैं सुखी रहूं। अब उनको लगता है कि मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर लिया तो मैं दुखी हो गया। यदि मैंने उससे ऊंची आवाज़ में उससे बात कर ली, मतलब मैंने उसको डांट दिया, तो अब वो डांट उस पर शिफ्ट, तो मैं सुखी हो गया। तो इसलिए वो हमको डांटता है और ज़ोर से। वो हमको दुखी करने के लिए थोड़ी डांटता है। उसको लगता है कि भाई मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मुझे डांट रहा है, तो वो सामने पलटवार कर देता है। उसको लगता है मैं फ्री हो गया, अब दुख इस पर चला गया। मतलब कि है ना, किसी का सुख किसी को दुख देने में भी हो सकता है, ऐसा माना हुआ हो तो हो सकता है, बट चाहना ऐसी नहीं है कि मैं दूसरे को दुखी करूं। बट है ना, कुछ कुछ तो देखिए देखिए क्या होता है, दो चाहना हर किसी में है। मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं दूसरे को सुखी करना। अभी हमको अपनी मान्यताओं के कारण कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि या तो मैं सुखी रहूं या दूसरे को सुखी करूं। हाँ, एक टाइम पे एक ही को सुखी कर सकते, ये मान्यता बन जाती। इस कारण ये योग्यता में कमी है, समझ में कमी है। इस कारण वो डिसीजन लेता है कि दूसरे को छोड़ो, मैं सुखी हो लेता हूं। ठीक है, इसलिए वो दूसरों से दुख भरा व्यवहार कर देता है। लेकिन इसको ठीक से देखे ना, इसको ठीक से देखे, जो हमने पहले कहा था कि जो जिसके पास होता है वो वही बांटता है, पहले दिन से ही कह रहे हैं। ये एकदम ठीक लग रहा है, एकदम लॉजिकल लग रहा है, इसमें कुछ गलत है। आप लोग मेरे पास 2 लाख रुपए मांगने हो, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तो मेरे पास जो है वो मैं बांट सकता हूँ। अब जो व्यक्ति दुख बांटता है, कहाँ से बांटता है? खुद दुखी है, इसीलिए दुख बांटता है। तो जब इसको देखते हैं ना, तब हमको किसी पे अविश्वास नहीं आता, किसी पे गुस्सा नहीं आता, उनको दया आती है। वो दुखी है ऐसा हमको दिखता है। लेकिन ये मान्यता भी तो है ना कि लोग अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। वही है वो अभी मान्यता बताई ना कि ऑप्शनल लगता है मेरा सुख या उसका सुख, जबकि ऐसा नहीं है। नंदन भाई, मैंने इसको समझा, दुनिया के हर घर में हर संबंध में गाड़ी यहीं अटकी है। एक नंबर पे लिखा है मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति मानता कि इसे सहमत है ना। दूसरे नंबर पे है मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे सभी लोग ऐसे क्या जल्दी है, तुम्हारी गाड़ी यहीं अटकी, 2 मिनट रुको ना। हाँ, तो यहाँ भी हर व्यक्ति सहमत है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, मैं तो किसी को दुख देना चाहता ही नहीं हूँ, सब सहमत है। तीसरा नंबर है कि दूसरा खुद भी सुखी होना चाहता है, इसमें मोटा मोटा सबकी सहमति है क्या? अभी उसके सोचो जिससे हमारी नहीं बनती है, घर में या दोस्तों में, जिससे नहीं बनती उसके बारे में सोचना है। पहला है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सब सहमत। दूसरा भी सुखी होना, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, सहमत। जिसको हम नहीं पसंद करते उसको भी हम दुखी तो नहीं करना चाहते, हम तो सुखी करना चाहते हैं, ठीक। तीसरा हो गया दूसरा भी सुखी होना चाहता है, सहमत। चौथा है कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, इसमें थोड़ा असहमति है। जो अभी वो बहन ने बोला कि नहीं नहीं बहुत से लोग तो दुखी करने के लिए करते हैं, अगर मान लो वो व्यक्ति यहाँ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिससे आपकी नहीं बनती है, जिससे मन नहीं मिल रहा है, उससे अगर मैं पूछता वो क्या कहता? वो भी एक नंबर पे हाँ बोलता, वो 2 नंबर पे हाँ बोलता, वो भी सहमत होता, वो भी 3 पे ही कहता कि दूसरा भी सुखी होना चाहता है, 4थे पे वो भी अटकता है। कहना मतलब हम भी अटक रहे हैं 4थे पे, हमको विश्वास नहीं है। वो यहाँ होता वो भी ये कहता मैं तो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मान लो मेरी माणिक जी से नहीं बनती है, माणिक जी भी यहाँ नहीं है, तो मेरे को डाउट रहेगा 4थे पे कि नहीं यार माणिक जी तो मुझे दुखी करना चाहते हैं, अब मैं नहीं हूँ, मान लो माणिक जी यहाँ है तो माणिक जी भी बोलेंगे नहीं सुनील आगेवाल मुझे दुखी करना चाहता है। ये अविश्वास का कारण है 4थे पे ना, जबकि
दोनों पहले तीन पे सहमत हैं, इसका मतलब चाहना तो चौथे वाले में भी सही है, हम उसको समझ नहीं पा रहे विश्वास नहीं होने कारण। तो पहले तो ये आ गया, अब इसमें मेरे भी पूरे नंबर हैं और सामने वाले जिससे मेरी नहीं बनती है उसके भी पूरे नंबर आ रहे हैं चाहना में। चाहना उसकी भी ठीक है, चाहना मेरी भी। अब आ जाए योग्यता में। मैं सुखपूर्वक जीता हूँ, निरंतर सुखपूर्वक जीता हूँ। तो जैसा यहाँ बताया, और हम मानते ही हैं कि निरंतर तो हम सुखी नहीं हैं, 24 घंटे में 24 घंटे तो सुखी रहते नहीं हैं। इसका मतलब मेरी योग्यता नहीं है अभी निरंतर सुखी रहने की, इसलिए मैं यहाँ सीखने आया हूँ कि मैं समझने आया हूँ कि समझ जाऊँगा तो निरंतर सुखी रह पाऊँगा। तो योग्यता में पहला नंबर पर है जो आ रहा है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीता हूँ, इसमें क्रॉस है, मतलब मैं नहीं जीता हूँ। सब ध्यान रखना उसी व्यक्ति पे जिससे विचार नहीं मिल रहे घर में, ठीक है ना, या दोस्तों में। तो मैं अभी योग्यता पर आ रहा हूँ, तो पहले नंबर पे मेरे नंबर जीरो आ रहे हैं, मैं निरंतर सुखपूर्वक तो नहीं जी पा रहा हूँ, नहीं जीता हूँ, ठीक है। नंबर दो पे क्या है, मैं दूसरे को निरंतर सुखपूर्वक जीने में मददगार होता हूँ। जब अभी बहुत बड़े वंदन मैंने बोला कि जो मेरे पास है ही नहीं मैं बांटूंगा कैसे, 2 लाख चाहिए मुझे, वंदन रुपये है ही नहीं, कहाँ से देंगे वो, तो मैं खुद ही निरंतर सुखपूर्वक नहीं जी रहा हूँ, मैं कैसे मददगार हो सकता हूँ। तो इसका मतलब दूसरी वाले में भी मेरी योग्यता नहीं है, तो दोनों में मेरे नंबर जीरो आ गए, ठीक है। नंबर तीन पे दूसरा निरंतर सुखपूर्वक जीता है, जिसको अपन पसंद नहीं करते उसके बारे में सोच रहे अपन, है ना, तो वो भी नहीं जीता निरंतर सुखपूर्वक, तो उसके भी नंबर जीरो। नंबर चार पे दूसरा मुझे निरंतर सुखपूर्वक जीने में मदद करता है, जब खुद ही नहीं जीता मुझे कहाँ से मदद करेगा, उसके भी नंबर जीरो। कहने का मतलब चाहना में मेरे भी नंबर पूरे हैं, सामने वाले जिससे मेरे मन नहीं मिलता उसके भी नंबर पूरे हैं, योग्यता में मेरे भी जीरो है उसके भी जीरो है, चाहना भी हमारी समान है योग्यता भी हमारी समान है, गड़बड़ कहाँ हो रही है वो समझ लो, गहरी बात है। मैं जब भी अपना आकलन करता हूँ तो चाहना के आधार पर करता हूँ, तो मेरे दो में से दो नंबर 100% आगे, और सामने वाला का आकलन करता हूँ तो मैं योग्यता के आधार पर करता हूँ तो वो दो में से जीरो नंबर आ गए। घर में हर संबंध में, दुनिया में हर मनुष्य, दो मनुष्य के बीच में संबंध में यहाँ गड़बड़ है, हर मनुष्य खुद का आकलन चाहना पे कर रहा है तो 100 में से 100, और सामने वाले योग्यता पे कर रहा है तो 100 में से 0। जैसे घर में कोई, मान लो लड़का काम करता है, लड़खड़ा गया, चाय के कप सारे गिर गए, ट्रे गिर गई, कहा यार ये तो है ही ऐसा, पता नहीं शुरू से आया जब से इतना नुकसान कर रहा है यार, उसको डांट दिया, ठीक है, सर्वेंट नहीं है घर पे, मेहमान आए और मैं ट्रे में चाय के 6 कप लेके आ रहा हूँ और रास्ते में भी लड़खड़ा गया, गिर गए, अब मैं भी 6 कप तोड़ चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरी चाहना ठीक थी यार, ये थोड़ा साला ये सोफ़ा किसने ऐसे रख दिया यार, इससे मैं टकरा गया यार, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं थोड़ी तोड़ूंगा इसको यार, तो मेरा आकलन कर रहा हूँ मैं चाहना पे, तो मैं कब टूटने के बाद, घटना दोनों में एक ही है, कब टूटे हैं 6 के 6, पर मेरे को मैं जीरो नंबर नहीं दे रहा हूँ, मेरी चाहना तो ठीक थी यार, अब वो तुम बीच में आ गए यार, वो तो मेरा लड़खड़ा गया, गिर गए सब, तो गड़बड़ सारी यही है। जब तक ये नहीं समझेंगे हम कि चाहना में दुनिया का हर मनुष्य है मेरा जैसा ही है, वो भी सुखपूर्वक जीना चाहता है, मुझे सुखपूर्वक जीने में मदद करना चाहता है, अब जिससे हमारे विचार नहीं मिल रहे उसके बारे में सोच रहे हैं, तो लग गया भी चाहना तो मेरी भी ठीक है उसकी भी ठीक है, तो इस समय गाड़ी कुछ चल सकती है, चाहना तो समान है, ठीक बात। योग्यता तो मेरी भी नहीं है, जैसे क्या हुआ जब 53 साल की एज में पहली बार जीवन दिया करने गया, मैं उसके पहले ईमानदारी से मानता था मैं तो ठीक ही हूँ, पत्नी को ठीक करना है, और माता पिता मेरा भाव नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा तो जन्म ही समाज के लिए हुआ है, अपने लिए जीने की आदत नहीं है, कि अगर आप गुस्सा करते हो इसका मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसने कुछ कहा आप उसको क्या जवाब दें, कैसे उसको समझाएं वो आता नहीं, तो आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा आपकी अक्षमता का प्रदर्शन है, सामने वाली स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को अगर आप हैंडल कर लोगे तो आप गुस्सा नहीं होगे, नहीं कर पाओगे तो गुस्सा हो जाओगे। तो मैंने कहा चलो ओके, अपन तो समझदार हैं, घर आके मैंने कोशिश करी तो गुस्सा कम आता, पर आता है कभी कभी, है ना, तो मैंने देखा कि जीन विद्या का शिविर करने के बाद भी गुस्सा कभी रुका कभी नहीं रुका, और मैंने एकदम पहली बार 53 पे मेरा ट्यूबलाइट जला, ट्यूबलाइट बोलते हैं बल्ब बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट ही बोलते हैं ना, तो वो जला, अरे यार मैं तो अपने आप को अकल वाला मानता था, अगर मेरा गुस्सा नहीं रुकता है रुक पा रहा है हर बार, अगर मैं अपने अक्षम हूँ सामने वाले को हैंडल करने में,
तो मैं पत्नी को तो मेरे से कम अकल वाला मानता हूँ, तो फिर उसको मैं दया करनी पड़ेगी यार, जब मैं ही नहीं रोक पा रहा हूँ, बेचारी कहाँ से रोकेगी, वो तो भी शिविर ही नहीं करी है। फिर माता पिता पर कैसे गुस्सा करूँ यार, वो तो शिविर किए नहीं है, उनको तो मैं मानता हूँ, वो मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं तो सही हूँ। पहली बात तरेपन पर मेरा ध्यान गया कि मैं अधूरा हूँ, पहली बार, वरना मैं अपने आप को 100 में से 100 दे के चल रहा था। अपनी कमी पकड़ में आ गई, वो चैन से सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता जब तक वो कमी दूर नहीं, उसका ध्यान बना रहेगा ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 साल से मेरा ध्यान बना हुआ है कैसे मेरा गुस्सा जीरो हो जावे। 50% तो कम हुआ है, मेरा बोलना ठीक नहीं, पत्नी बोले ज़्यादा ठीक है, और बाकी अभी आएगी वो तो, अभी भी आधा ही हुआ है। युवाओं पर इसलिए दम लगा रहे हैं कि इन्होंने दुनिया कम देखी है, तुम सब ने तो तुम्हारा दिमाग कम फिक्स हुआ है, कम कंडीशनिंग हुई है। जैसे वंदन भाई 23 साल, मैं मानता हूँ मेरे 56 साल की समझ से ज़्यादा समझ इनको 23 साल में है, जिंदगी की समझ है ना। बिजनेस में हो सकता है ठीक है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ी समझ ज़्यादा हो सकती, लेकिन जिंदगी की समझ में तो ये बहुत आगे है। तो जिस दिन ये पकड़ में आ गया, चाहना में दुनिया का हर व्यक्ति मेरा जैसा है, वो भी निरंतर सुखपुर जीना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, सभी की गाड़ी यहीं अटकी हुई है, सभी अपने आप को 100 में से 100 दे के चल रहे हैं। हमारे घर में तो ऐसा ही, मैं आसपास देखता हूँ बाकी घरों में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति अपने आप को तो ठीक ही मानता है, और देखो बिना ठीक माने वो जी भी नहीं सकता है। जब समानता होती है तो विश्वास होता है, अगर समानता नहीं तो विश्वास नहीं होता है। ये इतना मुझे कहना, बाकी वंदन भाई इसको पूरा करें। हाँ ठीक है। भैया एक डाउट रह रहा, अगर आप बोलो तो बाद में पूछ लूंगी। ना ना बोलो बोलो। भैया ये बोलने में तो बहुत सही लग रहा है, जैसे भैया ने भी बहुत अच्छे से समझाया, और पर अभी भी मतलब सेकंड वाले में भी मुझे तो अभी भी वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ और दूसरे भी मुझे सुखी करना चाहते हैं। आप बोल रहे हो कि चाहत तो एकदम सही है जी, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जब मेरी योग्यता नहीं थी तो मेरी भी चाहत सही नहीं होती थी, ये चीज़ मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे, हम छोटे थे तो एक दूसरे को छेड़ते थे ऐसे, कि हाँ, उकसाते थे कि हाँ, कब इसको गुस्सा है, तो वहाँ हाँ, कहाँ चाहत ठीक है। ठीक बात, छेड़ के वो करके क्या करना चाह, क्या पाना चाहते थे, मुझे सुखी होना था ये हाँ, इसका क्लियर है, पर मैं उसको सुखी करना चाहती हूँ ये चाहत मतलब वही ना, मुझे सुखी होना है उसके लिए दूसरे को सुखी करना पड़ेगा का नहीं वो हमको पता नहीं, समझ नहीं, दूसरे को दुखी करेंगे तभी तो हम सुखी होंगे, ऐसा स्पर्धा जैसा बन गया ना। पर चाहत में तो गड़बड़ थी, चाहत में गड़बड़ नहीं है। मान लो आपको ऑप्शन मिले दोनों सुखी हो सकते हैं, फिर क्या चाहते हो? दोनों ही सुखी हो, तो फिर जब ये डाउट बनता है कि दोनों सुखी हो सकते कि नहीं, तभी ये हो जाता है कि भाई चलो मेरा सुख प्रायोरिटी पे रख लो, ठीक है ना। भैया कभी कभी ऐसे भी होता है, मतलब दूसरों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि जैसे होता ही है, सभी के साथ होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अपने में ये 4 प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए, जांचता रहना चाहिए, और ये ना करे इतना तो करना ही चाहिए कि मुझसे गलती हो जाती है दूसरा गलती करता है, ये तो देखना ही चाहिए। मैं भी कभी कभी प्लानिंग करके भी करती थी, मैंने ये चीज़ देखी है, जब रिवेंज वाली फीलिंग होती है बदला लेना है तो हम प्लानिंग करके भी दूसरों को दुखी ठीक है, उसके बहुत मूल में जाना पड़ेगा। जैसे चाहना ये नहीं है कि बदला लेना है, चाहना ये है कि बदला लेकर सुखी होना है, इसको पकड़ना पड़ेगा हर बार। दूसरे को परेशान करना चाहना नहीं है, दूसरे को परेशान करके सुखी होना है, चाहना हर वक्त सुखी होने की है। पकड़ पा रहे हो भैया? फर्स्ट वाला एकदम क्लियरली हो रहा है, हाँ। दूसरों को मैं सुखी करना चाहती हूँ, दूसरे भी मुझे करना चाहते हैं, इसमें अभी भी स्वीकृति जांच नहीं ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कन्विंस ही कर दूँ आपको, बस ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, आप जांचते रहिए। ठीक है। हाँ। अच्छा जैसे मैं एग्जांपल आपको पूरी घटना ही बताती हूँ, जैसे हाँ। मेरी रूममेट थी तो एक रात उसने मुझे सोने नहीं दिया, मतलब पूरी रात नहीं सोने दिया, लाइट ऑन रखी, तो मैंने भी नेक्स्ट डे जानबूझ के लाइट ऑन रखी, मुझे कुछ काम नहीं था, इनफैक्ट मुझे भी नींद आ रही थी, पर मैंने अपनी नींद खराब करके मैंने लाइट ऑन रखी कि कल इसने मुझे नहीं सोने दिया तो मैं भी आज इसको नहीं सोने। एक बार ये कर लिया, अब आप चाहते कि उनको बहुत बेकार जिंदगी जाए और ये हो वो हो, ऐसी चाहना है कि आप जिंदगी, तो फिर वो सुखी हो ऐसा ही चाहते थे ना आप। तुमको रात को सोना था, तुमको लाइट में नींद नहीं आती, उसने कुछ पढ़ना होगा जो भी करना होगा, उसने लाइट जलाए रखी, तुम परेशान हुई, नींद नहीं हुई पूरी, वो तुमको दुखी करना भी नहीं चाहती थी, पर उसको ये योग्यता नहीं थी कि कैसे मैं बाहर जाके पढ़ लूँ, पास वाले कमरे में पढ़ लूँ, तुमको परेशान ना हो, तुमको नींद आ जाए, अब आ जाए अगले दिन। अब तुमने
सोचा ये इसने मेरे को परेशान किया, मैं इसको परेशान करूंगी। कारण क्या है, तुमको भी अब योग्यता नहीं है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो चाहती तो ये गलत नहीं थी, पर इसने ऐसा किया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं कैसे हैंडल करूं इसको। जब हैंडल नहीं कर पाते सामने वाले को, समाधान नहीं होता, तो फिर हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्से में रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन उठाइए तुम्हारा कि नहीं, तो तुम बताओ अगर तुम रोजाना उसको परेशान करना चाहती हो क्या? रोजाना नहीं चाहती, इसका मतलब चाहना तुम्हारी गलत नहीं है, वो रिएक्शन था। वो उसने रात को मुझे सोने नहीं दिया, आज रात को मैं नहीं सोने दूंगी उसको, ऐसा करके आपको सुख मिला। तो ये योग्यता उसकी भी नहीं थी और तुम्हारी भी योग्यता उस परिस्थिति को हैंडल करने की नहीं थी, तो रिएक्शन में चली गई तुम। अगर चाहना तुम्हारी गड़बड़ होती उसके प्रति, तो तुम रोज अभी भी उसका बुरा चाहती, जो ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से। बट देखिए, दूसरा मुद्दा ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट हमको इसमें देखने जैसा लगता है कि दो केस देखे। एक केस ये है कि बच्चा शरारत करता है और माँ को उस पर प्यार आता है कि देखो कैसे नटखट है कन्हैया मेरा, शरारत कर रहा है, लाडला है, है ना। दूसरा यह है कि बच्चा शरारत करता है और माँ मारती। दोनों में फर्क किस किस स्थिति में है, बच्चे की स्थिति में कि माँ की स्थिति में? क्या फर्क है माँ की स्थिति में? पहला जो केस है उसमें माँ खुश है, माँ जब खुश रहती है तो बच्चा शरारत करे ना तो उसको लगता है कि नटखट है, कन्हैया है। और माँ खुद जब परेशान है किसी कारण से, अपने में तंग है, फिर बच्चा यहाँ से यहाँ कूदे ना तो भी एक खींच के झापड़ पड़ती ये देख पा रहे हो, जब माँ परेशान है तभी बच्चे को मारती, जब माँ खुश है, बच्चा कितने भी शरारत करे तो उसको वो प्यार आता है बच्चे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ माइक में बोलिए। मतलब एक सिचुएशन में तो ऐसा होगा कि मैंने मेरे सुख के लिए किया, हाँ, और फिर और मैं खुश भी हुई कि वो आराम से खेल रहा है या ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और दूसरे में ये होगा कि कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि स्कूल में जब पढ़ाने जाती हूँ, शिक्षकों का भी ये रहता है, हाँ। पढ़ाती हूँ तब जिस दिन मैं खुश होकर जाती हूँ, जिस दिन मैं लेसन प्लान बना के जाती हूँ, क्लास में होती हूँ तब बच्चे के साथ में मतलब वो शरारत भी करे तो मेरे को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं कर लो, हाँ। और हम मैं भी शामिल हो जाती हूँ कभी कभी, हाँ। तो वहाँ पर अच्छा लगता है। जिस दिन मैं घर से या कुछ माइंड में चल रहा होता है और कुछ परेशान भी होती हूँ तब जाती हूँ, तो क्लास में बच्चे जब मस्ती कर रहे थे, तू ये क्यों कर रहा है, आज व्यवस्थित नहीं है, ये नहीं है, ठीक बात। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरा इंटेंशन, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे परेशानी है, तो मेरे को लगता है कि आज अपने में परेशान है तो दूसरों को परेशान करते हैं जी। और वहाँ पे मैं ये भी नहीं देख पाती कि दूसरा भी सुखी होना चाहता है, मैं मेरे सुख को ही देखती हूँ। ठीक बात है, चलो इतना पकड़ में आया, जो खुद परेशान है वही दूसरे को परेशान करता है। अब हम कहीं जा रहे, हाँ बोलिए भैया। मेरा भी क्वेश्चन इसी में से है, गे पकड़ नहीं पा रही हूँ मैं। जैसे मेरी मम्मी के और मेरे पास ये जीवन विद्या की इन्फॉर्मेशन है ना, तो मम्मी क्या फालतू बातें करती है, मतलब वो जिसका कोई बेस ही नहीं है, पर अब क्या मेरा उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मतलब दो चार पहले तो दूसरे लोगों से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी कि ये फालतू बातें करती, पर तो अब तो मम्मी से और घर पे बहन भाई किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही कि मैं उससे बात क्या करूं या किस बेस पे बात करूं। बस ये गैप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाहना और योग्यता में ही हो पा रहा है, पर हाँ। पकड़ नहीं पा रही हूँ चीज़ें। आप चाहते तो यही हो ना कि आप भी सुखी हो, आपकी मम्मी भी सुखी हो, हाँ। अभी उनका बात करने का कोई तरीका है तो उसको कैसे हैंडल करे, उसकी अपनी योग्यता नहीं है, उतना मुद्दा है। पर पकड़ू कैसे फिर भी इस चीज़? उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा कैसे संवाद का बेस बनाया जाए, परिवार में कैसे चीज़ें ठीक हो। बट मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूँ कि थोड़ा ना इसको अपने पर ज़्यादा केंद्रित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखे। एक शिविर में वॉलंटियर था, उस शिविर में मैंने आयोजित किया था, तो उसमें एक बहन कई दिन से यही पूछ रही कि मैं मेरी माँ को ये बातें कैसे समझाऊँ, ये ऐसे ऐसे शब्द है, वो अनपढ़ है, और मेरा ये बहुत मन है कि मैं उनको समझाऊँ तो मेरा उनके साथ व्यवहार ठीक हो। पहले ही दिन से उनका ये प्रश्न है कि मैं इसको कैसे समझाऊँ। प्रबोधक ने बहुत ट्राई किया समझाने का कि आप समझ लो, आप समझ लोगे फिर शब्द कोई परेशानी नहीं है, आप समझ लोगे फिर आप किसी भी मुद्दे को लेके कहीं से भी बात को उन तक पहुंचा सकते हो, कैसे भी आसान भाषा में, तो आप समझ लो।
फिर भी वो बार 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 कोई भी टॉपिक आए वो यही पूछे, ये मेरी माँ को कैसे समझाऊँ, ये बताए ये मेरी माँ को कैसे समझाऊँ। फिर तो शिविरार्थी परेशान हो गए, 10-15 शिविरार्थी उनको समझा के चले गए कि भाई आप खुद समझो, तो प्रबोधक ये कह रहे आपको, फिर भी उनका ये डाउट नहीं गया, फिर वो शिविर छोड़ के ही चली गई। इससे क्या किसी का भला नहीं हुआ। तो इसलिए ये है कि भाई हम समझेंगे तो हम किसी को भी समझा पाएंगे, फिर भाषा या क्या तरीका हो वो सारा मामला नहीं रहता। लेकिन हम पहले से ही ये सोचते रहते कि उनको कैसे समझाएं, उनको कैसे समझाएं, उसमें हमारी भी समझ नहीं बनती और कोई रास्ता भी नहीं निकलता कम्युनिकेट कर पाने का। तो ये उदाहरण है कि हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको वो गलती नहीं करनी ना, हम तो खुद भी समझना चाहते हैं और अपनी माँ को भी समझाना ही चाहते हैं, पर रास्ता कब निकलेगा कैसे निकलेगा उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे हटकर भी एक क्वेश्चन है, सहमति और स्वीकृति में क्या अंतर हो? वो परिभाषा वाला मामला ऐसा है कि आप उन शब्दों को किस तरह से यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। सामान्य हिंदी में समानार्थी भी हो सकते हैं, अपन उसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या, छोड़ो कोई बात। जैसे जीवन विद्या की सहमति हो गई मेरे को, है ना, तो यहाँ से जाने के बाद मैं यूट्यूब पे जान की सॉरी जाने यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रही थी, तो वीडियो थोड़ी देर देखती हूँ फिर देखने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे क्या मेरे को स्वीकृति नहीं हुई, सिर्फ सहमति हुई? इसमें नहीं, ये सारे शब्दों को लाने की ज़रूरत ही नहीं, स्वीकृति सहमति। उसका मतलब यह है कि अभी जो कुछ टाइम हमको जीवन विद्या को सुनने का आस्वादन लेने का मन करता है, हम उसका चयन करते हैं कि लाओ कोई शिविर देख ले, थोड़ी देर बाद मन कहीं और भागता है तो हम दूसरा चयन कर लेते, उतना मुद्दा है, ठीक है ना भैया? जो अभी जो हमारी बात हुई उस पर हम उस पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही, जैसे सुनील भैया ने भी अभी अदिति के एग्जांपल लिया, तो उसमें कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उसकी चाहता थी कि उसका उसको दुख पचाकर उसको सुख मिल रहा था, लेकिन लगातार उसको वो मतलब लगातार नहीं चाहती कि वो उसको दुखी करे। लेकिन जब हम बात करते नियम की, तो नियम तो हमेशा लागू होना चाहिए, कभी लागू हो रहा है कभी लागू नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे मतलब एक सेम एग्जांपल में मेरा भी ले सकता हूँ, जैसे स्कूल में थे तो हमेशा चाहते थे कि क्लास में फर्स्ट आए, है ना, तो क्लास में फर्स्ट तो एक ही जना आ सकता है, तो और अब क्लास में फर्स्ट आने के लिए जो दूसरे लोग हैं अब उनकी रैंक आगे आएगी, नंबर कम आएंगे, उनको उससे दुख होगा, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे नंबर फर्स्ट ज़्यादा आने चाहिए और मेरी रैंक फर्स्ट आनी चाहिए और मुझे सुख मिलना है। अब उसको दुख मिलेगा 100% वो श्योर है कि उसके नंबर नहीं आ रहे, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और मैं ऐसा नहीं कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो उसकी लाइफ में फेल हो जाए या ऐसा कुछ करे पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है और उसको उससे दुख मिलेगा, तो मैं उसके लिए एग्री कर रहा हूँ कि भाई ठीक है ऐसा चलेगा। तो अब और वही बात जैसे सुनील भैया ने बोला कि ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन नियम तो हमेशा काम करना चाहिए। ठीक बात है, उसमें फिर यही बात है कि हमको इच्छा और आशा दोनों को देखना पड़ेगा, फिर उसी पर वापस जाना पड़ेगा। कैसे? उसको परेशान करना है, ये आशा है ना, लाइट चालू रखनी, ये वो करना, इच्छा के मूल में जब जाके देखते ना तो फिर वो बदला वो वाली बात नहीं आती, वहाँ सीधा सीधा देखना आता है। आप किसी टाइम फ्रेम में किसी सिचुएशन में किसी उसमें उसको फिर लगा करके नहीं देखते इच्छा को। जैसे हम अपनी इच्छा को देखते हैं कि मुझे सुखी होना है, तो इस वक्त सुखी होना है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मुझे इस तारीख के इस घंटे में सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। तो ये जो इच्छा वाली बात है ना वो एकदम वो है, यूनिवर्सल है, या टाइम फ्रेम में भी कहीं बनती नहीं। तो ऐसे ही जब ये आशा वाली बात है वो हर वक्त समय समय पे बदलती, तो ये जो बात है ना कि दूसरे को इस तरह से परेशान कर ले ये करे वो सब आशाएं है भैया। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे मैं अल्टीमेटली मैं खुद सुखी होना चाहती हूँ, पर मुझे ये पता पड़ गया कि मेरे सुखी होने में वो कहीं ना कहीं बाधा आ रही है या आ रहा है, तो मैं उसको दुखी कर देती हूँ। और वो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम शुरुआत में मिले, अगर मैं मेरी रूममेट से शुरुआत में मिली हूँ, हम अभी नए नए मिले हुए ही हैं, तो मेरी कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं उसे दुख दूँ या मैं उसे दुखी करूँ, पर जब मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि ये मेरे सुखी होने में बाधा बन रही है, तब हम ऐसा कुछ कर, तब हमारे ऐसा कोई इंटेंशन आता है कि अभी इसको दुख दे। ठीक बात है, अभी वो कहा ना हमको ऑप्शनल लगने लगता है कि या तो वो सुखी हो या मैं सुखी हूँ, और हम अपने सुख को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, और उसके अलावा अगर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो मेरा अल्टीमेट कि मुझे सुखी होना है, उसमें अगर वो बाय प्रोडक्ट अगर कोई और दुखी हो रहा है तो मुझे फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अल्टीमेटली मुझे तो सुखी होना है।
तो हम अपनी चाहना को, अपनी भी ये चाहना है कि मैं दूसरे को सुखी करूँ, इसको ही पहचान नहीं पा रहे। हमको लगता है कि मुझे ही सुखी होना है, उसके लिए दूसरे चाहे दुखी हो जाए, ऐसा अभी हम मान ले रहे हैं। अल्टीमेटली देखें तो हम तो सभी को सुखी देखना चाहते हैं। हो रहा है क्लियर क्या? अभी भी डाउट है क्या? है एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी बार वहाँ से रात समझ वाला शिविर में मैंने ये चीज़ समझी थी। हाँ। उसके बाद जब मैं घर पे आई जितनी भी चीज़ें, उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए। हाँ। जिनमें कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं, सामने वाला, सामने जो भी है वो भी कहीं ना कहीं सुखी ही होना चाहता है, उनके इंटेंशन में मुझे सुखी करना ही है। हाँ। उनका इंटेंशन खराब नहीं है। हाँ। और फिर भी लगता है कि मतलब उनकी, उनके पास योग्यता नहीं है जी। और कितनी बार ऐसा लगता है इतनी, मतलब योग्यता भी इतनी कैसे गिर सकती है किसी इंसान की? वो फिर उस टाइम पे फिर ऐसा अविश्वास आ जाता है, या तो कहीं ना कहीं मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह से क्लियर देख पाऊँ। ये तो एक्सेप्ट, ये तो कहीं ना कहीं दिखता ही है अंदर। हाँ। और उसके साथ भी ऐसा लगता है कि क्या बिल्कुल ही, मतलब कितनी बार, कितने लोगों के लिए हुआ है, कुछ स्पेशलाइज तो कुछ याद भी है अभी चेहरे कि हाँ ऐसा कितनी बार कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि नहीं उसके चाहने में ऐसा नहीं है, चाहने में वो सुखी ही करना चाहती है या खुद भी सुखी ही होना चाहते हैं। बट द सेम लगता है कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बिल्कुल, जैसे सुनील भैया ने एग्जांपल दिया कि कप की ट्रे लेके आया कोई, अगर कोई दूसरा लेके आया है तो मैं कहूँगा कि इसको तो आता ही नहीं है, इसको तो कुछ करना ही नहीं आता, ऐसा ही है। बट एट द सेम टाइम अगर उसको हम जो भी ट्रे लेके आ रहा है उसको हम दो तीन बार बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि ऐसा देखो अगर आ रहे हो तो कप की ट्रे को ध्यान से लेके आना, या फिर कप कम भरना ताकि हिले डुले नहीं, तो वो तो हम, अगर वो ऑलरेडी इतनी बार हो चुका है फिर तो कि क्या इतना ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बच्चा जो है जब चलना शुरू करता है तो कितनी बार गिरता है, माँ परेशान नहीं होती है, वो चाहना जानती है, वो उससे संबंध जानती है, भाव से भरी भी है इसलिए वो परेशान नहीं होती है। तो जहाँ संबंध है वहाँ पे भी योग्यता कम है तो हम और प्रयास करेंगे उसको समझाने का। तो पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ फिर उसकी योग्यता बढ़ा देंगे। अभी हम इसलिए तो आए हैं, अब अपनी योग्यता बढ़ाने आए हैं, जिससे घर में जाके सबको निपट लेंगे फिर। अरे निपटने का मतलब यार प्यार से निपटने कह रहा हूँ मैं। तो निपटने में हमेशा कोई ऐसा झगड़ा थोड़ी बोलता हूँ, प्यार से निपट लेंगे। जब मन नहीं मिलता है क्योंकि हमने अपना आकलन चाहना पे किया, पूरे नंबर आए, दूसरे का योग्यता पे किया, उसके जीरो आ गए, तो हम संबंध के प्रति जो भाव हमारे अंदर होता है उसको काट काट के अपने से अलग कर। जैसे माँ के अंदर हमेशा बेटे बेटी के लिए भाव होता ममता का, और बेटे बेटी में हमेशा भाव रहता कृतज्ञता के लिए। तो संबंधों को भौतिक रूप से काटना संभव नहीं, तो हम संबंध के प्रति भाव जो हमारे खुद के अंदर है वो काट काट के अपने से अलग करते जाते हैं, हमारे भाव कम होते जाते हैं, भाव सूखते चले जाते हैं, भाव के सूखते सूखते एक दिन हम खुद पत्थर हो जाते हैं। तो ये गहरी बात है, अगर हमारा एक से किसी संबंध समझ में नहीं आया, पहचाना नहीं, स्वीकार नहीं किया, भाव को काटा, सामने वाले को उतना फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए अपने को बचाना है। पहले खुद को तो बचाएं, अपने को तो भाव से पूरा करें। तो ये कार्यक्रम खुद को भाव से भरने के लिए है, इसलिए बार बार वंदन भाई कहते रहे अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, माँ को बाद में देखेंगे, सबको बाद में देखेंगे, पहले अपने को तो भाव से भरो। हम खुद ही भरे हुए नहीं, हम क्या देंगे? चलो धन्यवाद। ये सोचना लंच के समय, अब लंच के बाद भी बात करेंगे अपन इसको। हाँ नमन जैन कुछ कहना चाहते? मेरी एक चीज़ कहना है कि जैसा कि इन्होंने भी कहा था कि ये जो चार चीज़ें हैं इनमें से चौथे वाले में रुकावट आती है, कईयों का नहीं होता है। हाँ तो उसमें मेरा ये कहना है कि जब मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ इसमें सबकी सहमति है, तो इसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई कि दूसरा मुझे सुखी नहीं करेगा? जब सारे लोग दूसरों को सुखी करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ में शंका कैसे है कि दूसरे वाला मुझे सुखी नहीं करेगा? ठीक बात है, ठीक। हाँ ऐसा ही है ना, हमको लगता है कि हम है जो सुखी होना चाहते हैं और दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, तो हर कोई ये कहता है। जैसे अभी इसी हॉल में देख ले, हम सब ने सहमति बताई कि हम सुखी होना चाहते हैं और हम दूसरों से सुखी हो, दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं। अब हॉल में ही मान लो किसी दो जन का झगड़ा हो गया तो किसकी चाहना पे डाउट करोगे? कौन किसकी चाहना पे डाउट करे? कोई किसी की चाहना पे डाउट नहीं कर सकता, सबकी यही चाहना है, हम सुखी होना चाहते हैं, हम दूसरे को सुखी। ये एग्जांपल है कि इसको हर बार लागू मत करना, बट अपने समझने के लिए ठीक है।
मान लो हम किसी एक बिल्डिंग में गए, अपने को पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग है, और बाहर बारिश हुई, अपने को रात रुकना है, अपने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खोला दरवाज़ा, आदमी ठीक ठाक दिखता था लेकिन दरवाज़ा खोल के सीधा थप्पड़ मार दिया। अब जो आप कह रहे थे ना मुस्कान बन के, इतनी भी योग्यता नहीं है तो दरवाज़ा खोल के थप्पड़ मारता है क्या कोई? फिर आगे से बोर्ड पढ़ा तो पता चला कि पागल खाना है, ठीक है। तो पहली बार हमको क्या हुआ, ये आदमी बुरा है, ये लोगों को परेशान करना चाहता है, इसीलिए जो आए उसको थप्पड़ मार देता है। फिर पता चला कि नहीं पागल है, चाहना बुरी नहीं है, योग्यता नहीं है, समझ नहीं है, तो कैसे तुरंत भाव बदल गया है ना। तो ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमको हर किसी को पागल नहीं मानना है, बट ये है कि योग्यता की कमी है, ऐसा नहीं है कि चाहना में वो कहीं वो है गड़बड़। इतना जल्दी हम डाउट कर लेते हैं। अभी मान लो हम यहाँ से निकले और पास में कोई लोग बैठे हो ना, वो लोग बेचारे कोई अपनी बात पे हंस दे, हमको क्या होता है? पहला डाउट क्या वो हम पर हंस रहे है ना। हम देख भी ले और देखे कि चलो वो तो आपस में बात कर रहे हैं, तो भी ये डाउट तो रहता है कि वो तो मैंने देखा इसलिए आपस में ऐसे फिर घूम फिर गए और हंसे तो मुझ पर ही थे, है ना। कितना जल्दी हम लोगों की चाहना पे डाउट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि चाहना को सही से हम भी पकड़े, दूसरों की चाहना को भी पकड़ पाए, और जहाँ योग्यता में कमी है उसको भरने के लिए प्रयास कर पाए, तो तभी संबंध शुरू होता है। मतलब ये संबंध का सबसे बेसिक मूल्य है विश्वास, ठीक है। लंच के बाद इस पर और बात करते हैं आगे के भाव पर। बढ़िया, नमस्ते। हाँ जी, दो चीज कहना चाह रहा था, वो हो सकता है कि गैर जरूरी हो। हाँ, तो ये जो गुड़िया है इसने बहुत भावपूर्ण प्रश्न पूछा, ये कि माँ से बात करने में इसको मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कैसे संवाद करें। ये बहुत निजी प्रश्न भी था और बहुत सार्वजनिक प्रश्न भी था, कई सारों के साथ संबंधों में ऐसा है। तो मैं ये समझ पाया अभी तक कि अगर हम जीवन विद्या कर रहे हैं तो अभी हम स्वयं को समझने की यात्रा पर हैं। तो हम एक अगर मानव हैं तो जो हमारी माँ है वो भी एक मानव है जी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हम स्वयं को पूरा नहीं समझ पाए, इसलिए हम न तो अपनी माँ को समझ पाएंगे न अपनी बहन को समझ पाएंगे। तो हमको माँ को समझने के लिए काम हमको अभी स्वयं पे करना है। जो सुख की बात कर रहे थे, मैं जो समझ पाया कि चाहना हमेशा सकारात्मक होती है जी। किसी को दुखी, एक आतंकवादी वो बम फोड़ के खुश होता है, ये कोई उसकी चाहना थोड़ी है, वो भ्रमित मानव है और इसीलिए कहा गया कि सुख अंडर कोट है। हाँ। उसको सुख की समझ नहीं है इसलिए वो बम फोड़ के सुखी होना चाहता है। तो जब उसमें समझ आ जाएगी तो वो भ्रमित मानव से जागृति की तरफ बढ़ता हुआ जागृत मानव हो जाएगा, तो उसको अपनी चाहना का मूल में समझ पाएगा वो, तो मुझे लगता है तब वो गलत इच्छा नहीं व्यक्त करेगा। एक बात है, तो ये सुख अंडर कोट है, जो भ्रमित है वो सुख को समझ नहीं पा रहा है इसलिए वो किसी को दुखी करने में सुखी हो रहा है, ये मैं समझ पाया। हाँ, एक वेस्टर्न लेडी थी जिनको वो जर्मन जब वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे ना, तब की कोई घटना है, मुझे उनका नाम और वो सब याद नहीं रहा बट मैंने कहीं पढ़ा था। तो उनको पकड़ लिया वो, बहुत ही क्रूर एक संगठन था उस टाइम उसने, और अब मतलब उनको बहुत सारे ऐसे विचार आ गए कि यार ये लोग अब मेरा क्या करेंगे, मैं अकेली स्त्री हूँ, ये इतने सारे मर्द हैं और इतने क्रूर लोग हैं। तो जो उनका मुखिया था वो उसके उनके सामने आके बैठा, तो इन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा जो लेडी थी उसने, कि भाई तुमको क्या बचपन में स्कूल में बहुत डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, मम्मी पापा ठीक नहीं थे, मारते थे, दोस्त ठीक नहीं थे, कोई लड़की तुमको छोड़ के चली गई, क्यों इतने दुखी हो? उस लेडी को कुछ नहीं किया, आराम से बातें की, उसने पूरा उनका इंटरव्यू लिया और वापस भेज दिया। तो क्या फर्क क्या पड़ा? उसने ये देखा कि ये मुझे दुखी करने नहीं आया, ये मुझे मारने मुझे प्रताड़ित करने नहीं आया, वो किसी कारण से दुखी है इसलिए इतना क्रूर बन गया है। तो उसने सहानुभूति से पूछा कि भाई बताओ कारण क्या है, क्यों इतना दुखी हो, तो क्यों इतना ये सब फैला रहे हो? तो वो आदमी को भी पहचानने में आया कि यार बात तो सही है, इतना क्रूर था फिर भी कि मैं परेशान हूँ इसलिए मैं दूसरों को परेशान कर रहा हूँ। फिर उसने आराम से बात की, अपना जीवन बताया और फिर उसको वापस भेज दिया। तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी किस्से बनते हैं। अपने आसपास तो इतने क्रूर लोग हैं नहीं, बस थोड़ा ही ये देखना है कि हम चाहना पे डाउट ना करें, योग्यता नहीं है
और योग्यता नहीं है, इसका मतलब यह है वो व्यक्ति खुद परेशान है, हम परेशान हैं और हम किसी के पास जाए हम क्या अपेक्षा रखते हैं, वो हमें डांट डपट करे या हमको प्यार से समझाए, प्यार से समझाए। अब कोई परेशान है और वो उठपटांग हरकत करता है तो हम क्यों उसके साथ डांट डपट करें, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बात है, बट मुझे लगता है इसी को ध्यान में लाने से विश्वास का भाव अपने में दृढ़ हो पाता है। और बात करेंगे लंच के बाद, तब तक इस पर सोचिए। नमस्ते।